Good afternoon all. So today we are going to start new topic, that is sense organs. So let's start. Sense organs are like windows to the outside world. Okay, sense organs होते हैं वो like windows to the outside world के होते हैं. They make us aware of our surroundings. सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम अवेयर रहते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स. ओके, वी आर एबल टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील थ्रू देम. सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग सी, देख सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट एंड फील. ये सारी चीजें हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही कर सकते हैं. ओके, सो नाउ यू ऑलरेडी नो दैट द 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर आईज, नोज, टंग एंड स्किन. आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट इज आईज, ears, nose, tongue and skin. ये सारे 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट them. सो वन बाय वन हम 5 सेंस ऑर्गन्स को लेंगे. फर्स्ट है द आईज. अवर सेंस ऑफ साइट इज डिपेंडेंट अपॉन अवर आईज. हमारी जो सेंस ऑफ साइट है, हम जो देख सकते हैं, वो हमारी आईज के थ्रू ही देख सकते हैं. The eyes consist of eyeballs that fit into sockets in the skull. जो eyes होती हैं उसमें eyeballs होते हैं, eyeballs के sockets होते हैं जिसके अंदर skull होता है. The eyeballs are protected by eyelids and eyelashes that keep them clear and dust free. जो हमारे eyeballs को protect करने के लिए eyelids and eyelashes होती हैं, वो क्या करती हैं? आईबॉल्स को प्रोटेक्ट करती हैं एंड उनको डस्ट फ्री करने में हेल्प करती हैं. द डायग्राम बिलो डिस्क्राइब्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई. अभी आप ह्यूमन आई का डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पे आई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं. फर्स्ट है स्कैलरा. स्कैलरा है वो वाइट पार्ट होता है आई का. ओके, उसके बाद आता है लेंस. लेंस, द लेंस लाइज बिहाइंड द प्यूपिल. प्यूपिल के पीछे लेंस होता है. नाउ कॉर्निया, इट इज द आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर कन्वर्टिंग द विजिबल पार्ट ऑफ द आई. ये आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होता है कॉर्निया का. नाउ आयरिस, इट इज राउंड इन शेप एंड लाइज इन द सेंटर ऑफ द आई. आयरिस होता है वो राउंड इन शेप होता है एंड सेंटर ऑफ द आई. आयरिस कैन बी ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और ब्राउन इन कलर. आयरिस के कलर ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं. नाउ प्यूपिल, इट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरिस. सेंटर ऑफ द आयरिस में स्मॉल ओपनिंग है. इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई. ये लाइट को अलाउ करती है आई में एंटर होने के लिए. नाउ ऑप्टिक नर्व, messages from the retina are sent to the brain through optic nerve. It is a sensory nerve. Optic nerves भी present होती हैं. वो क्या करती हैं? मैसेज पहुँचाती हैं रेटिना से लेके ब्रेन को पहुँचाती हैं. Now retina, it is the innermost layer of the eye. It act as a screen on which the image of the object is formed. Retina है वो innermost layer होता है eye का. Okay, so this was eye. Now, the next sense organ is ears. The ears. So let's proceed. Ears help us to hear the different sounds around us. एज यू ऑल नो दैट ईयर्स आपको किस में हेल्प करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट साउंड आपको सुनने में ईयर्स का काम आता है. द आउटर ईयर रिसीव्स द साउंड वेव्स एंड सेंड्स देम टू द इनर ईयर. आउटर ईयर होता है वो साउंड रिसीव करके इनर ईयर को देता है. द ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन अवर बैलेंस.
ईयर्स भी हमारे बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प होते हैं. नाउ थर्ड सेंस ऑर्गन इज द नोज. द नोज हेल्प अस स्मेल डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस एंड ऑडर्स. नोज हमें डिफरेंट स्मेल एंड ऑडर्स स्मेल करने में काम आता है. इन द अपर पार्ट ऑफ अवर नोज देर आर नर्व एंडिंग्स. हमारे अपर पार्ट में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं. दिस नर्व्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व्स. नोज में जो नर्व्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स. दिस नर्व्स आर वेरी सेंसिटिव टू स्मेल. ये नर्व्स क्या करती हैं, दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड वी आर एबल टू स्मेल. ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं और उसके लिए हम लोग स्मेल कर सकते हैं. द नोज ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोज की, ये ब्रीदिंग के लिए नोज हेल्प होता है. नाउ दिस आर द थ्री सेंस ऑर्गन्स. नाउ फोर्थ वन इज टंग. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टेस्टेस. टंग है वो हमें फूड टेस्ट करने में हेल्प करता है एंड डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेस भी हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. हमें क्लियरली बात करने में भी टंग यूज होती है. देर आर टाइनी टेस्ट बर्ड्स ऑन द सर्फेस ऑफ अवर टंग. हमारी टंग में टाइनी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्ट बर्ड हेल्प अस आइडेंटिफाई द फोर मेजर टेस्ट ऑफ फूड, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर. हमारी जो टंग होती है उसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं ईच टेस्ट बर्ड में. उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट फूड है वो स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या बिटर है. ओके, द नर्व सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. द ब्रेन इंटरप्रेटेट्स द टेस्ट ऑफ फूड. द टंग ऑल्सो एड्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड. ये जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल ब्रेन को भेजती हैं, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि कौन सा फूड है. और टंग मिक्सिंग एंड च्यूइंग फूड में भी हेल्प करती है. नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ सेंस ऑर्गन इज स्किन. द स्किन कवर्स द एंटायर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म एंड डर्ट. जो स्किन होती है वो हमारे एंटायर बॉडी को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है और जर्म्स एंड डर्ट से प्रोटेक्ट करती है. It consists of millions of nerves that help us to detect the feel, pain, pressure, heat and cold. Millions of nerves present होती हैं जिससे आपको आप feel कर सकते हो pressure, heat, cold, pain. Okay? Nerves carry messages to the brain. Nerves brain से message carry करती हैं. जो tiny pores are present on the skin that allow sweat to come out of the body, thus cooling the body. हमारी जो स्किन होती है उसमें स्मॉल पोर्स, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारी जो स्वेटिंग होती है वो बाहर निकलती है. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है पूरी बॉडी का. ओके, सो टुडेज लेक्चर इज ओवर हियर. सो आज के लिए इतना ही. आज हमने सेंस ऑर्गन स्टडी किया. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर. सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर. सो थैंक यू ऑल.